हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आज आपको बताऊंगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये कंपनी के कैसे काम करती है, ये कंपनी क्या काम करती है, डिटेल मुझे मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्न और ये जो वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझको सजेस्ट किया कि सर आप श्रीराम फाइनेंस कंपनी के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी का शॉर्ट नेम है STFC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। ये फाइनेंस कंपनी उन लोगों को फाइनेंस करती है जिसको कोई फाइनेंस नहीं करता है। जी हाँ, मार्केट में जिनको कोई फाइनेंस नहीं करता, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास कुछ बड़े सोर्स नहीं होता, नाम नहीं होता है, घर नहीं होता है, उनको ये कंपनी फाइनेंस करती है। जी हाँ, उनका मेन मोटिव ही है कि सभी फाइनेंस कंपनी से हटके श्रीराम फाइनेंस कंपनी है। उनका मोटिव ही यही है कि उनको फाइनेंस करो जिनको कोई फाइनेंस नहीं करता है। गरीबों को लोन दो और उनको कमाना सिखाओ और उनसे कमाओ, श्रीराम फाइनेंस कंपनी का ये है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी में कई रोल होते हैं, जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, फिर रिकवरी वाला, दोनों साथ में ही काम करते हैं, फिर बैक ऑफिस का जॉब होता है, फिर BM का जॉब होता है, फिर PM का जॉब होता है, फिर HR का जॉब होता है। ऐसे प्रकार के बहुत से जॉब है, मैं आपको इन जॉबों को धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्वालिफिकेशन लगता है 12th से स्टार्ट होकर, आप ग्रेजुएशन या कुछ भी आप करते हैं तो, लेकिन मिनिमम 12th लगता है। 12th में पास से आप ये जॉब कर सकते हैं। इस जॉब में आपको केस करना रहता है, केस मतलब फाइलें करनी रहती है, लोगों को फाइनेंस करना रहता है, वो भी फील्ड पे जाके। फील्ड पे जाके आप लोगों को फाइनेंस करेंगे, चाहे आपको सेगमेंट दिया जाएगा या फिर आपको एरिया दिया जाएगा। दो टाइप का काम करती है श्रीराम फाइनेंस, या तो आपको सेगमेंट देगी, सेगमेंट में होता है पैसेंजर होता है, प्राइम होता है, फिर सेगमेंट दिया जाता है। सेगमेंट में प्राइम होता है, पैसेंजर होती है और छोटी व्हीकल, बड़ी व्हीकल, अलग अलग सेगमेंट होता है। इसमें आपको सेगमेंट दिया जाएगा या फिर आपको एरिया वेज काम दिया जाएगा। सेगमेंट में आपको उसी सेगमेंट की गाड़ी करना है। मान लो आपको पैसेंजर दिया गया है तो आप सिर्फ पैसेंजर की गाड़ी फाइनेंस करेंगे। जैसे पैसेंजर में कारें आ जाती हैं, पिकअप आ जाती है, और ये अपने पैसेंजर जो भी माल वहाँ गाड़ियाँ होती हैं जिसमें टैक्सी रूप में यूज होती है, उस गाड़ी को पैसेंजर कहते हैं, ठीक है। और सेकंड होगा फिर प्राइम हो जाए, प्राइम में ट्रक आ जाएंगी, बड़े बड़े ट्रक वर्क जो भी हो आजकल, जेसीबी दुनिया भर के जेसीबी तो मशीन में आ जाएगा, लेकिन प्राइम सेगमेंट में ट्रकें आती हैं जिसमें आप ट्रकें फाइनेंस करेंगे। ये हो गया सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम। इसमें सैलरी होती है कम से कम मिनिमम आपको 15,000 रुपये तो मिलेगा ही आपको सैलरी, बस इंसेंटिव मिला के महीने का 30,000 रुपये आपको पेट्रोल वेट्रोल सब मिला के आपको मिल जाएगा इसमें। इसके बाद आता है जॉब BM का, सॉरी इसके बाद आता है जॉब सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव का। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव भी फील्ड में जाके काम करता है, बस वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है बल्कि उसको सीनियर बना दिया जाता है, और उसका काम भी एक फाइल करना होता है, लेकिन उसकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। उसकी तनख्वाह 15,000 से 20,000 तक उसकी रहेगी, 18 से 20,000 तक, और पैकेज उसका 35 से 40,000 तक उसका पैकेज महीने का रहेगा, पेट्रोल इंसेंटिव सब मिला के आपका पैकेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब BM या प्रोडक्ट मैनेजर का। प्रोडक्ट मैनेजर मतलब कोई भी सेगमेंट का एक मैनेजर रहेगा, जैसे आपका प्राइम है तो प्राइम का मैनेजर रहेगा, एरिया अगर एरिया दिया गया है तो उस एरिया का एक आदमी मैनेजर रहेगा। हर मतलब एक शहर है, मान लो आप जॉब कर रहे हैं उसमें कई एरिया है, ये इस साइड एरिया है, नॉर्थ साइड एरिया है, ईस्ट साइड एरिया है, वेस्ट साइड एरिया है, तो उस एरिया में आपको भेज दिया जाएगा, तो उस एरिया का एक आदमी मैनेजर रहेगा, वो होगा आपका एरिया मैनेजर या फिर आपका प्रोडक्ट मैनेजर रहेगा। BM का काम होता है ब्रांच मैनेजर। ब्रांच है मैनेजर लीड करता है, पूरे स्टाफ को लीड करता है, पूरे स्टाफ को मैनेज करता है। इसमें BM बनने के लिए आपको MBA भी करने की जरूरत नहीं है, आप 12th पास से स्टार्ट करेंगे और बीच में आप ग्रेजुएशन हो सके तो कर लेना, आपको फायदा ही देगा। मिनिमम लास्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही होता है। इसमें आपको BM बनना है या कुछ भी, आपको बड़ा पोस्टर मतलब बड़ा पद हासिल करना है तो आपको आपको निचले स्तर से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट MBA करके आपको BM बना दिया, MBA करके आए हो तो आपको ऐसे टायर मैनेजर बना देगा या फिर कुछ गोल्ड लोन में आपको डाल देगा, लेकिन आपको ऐसे BM नहीं बनाएगा। और BM बनने के लिए आपको या फिर स्टेट हेड बनने के लिए आपको 12th तब स्टार्टिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करके प्रमोशन पा पा के ही आपको डायरेक्ट स्टेट हेड बन जाएगा, बनना पड़ेगा। और स्टेट हेड बनने के बाद फिर आपकी सैलरी फिर पैकेजों में हो जाएगी, आप 15 लाख 20 लाख ऐसे पैकेज मिलता है, जितना आप ग्रोथ करो कंपनी को, जितना आप वो करो इंसेंटिव प्लस मिला के 15 से 20 लाख का पैकेज होता है जो आपको मंथली मिल जाएगा, जो बहुत ईजी है आपको। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर आप नॉर्मल अपग्रेडेशन किए हुए हैं तो आपको इस फाइनेंस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। श्रीराम का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि फाइनेंस
ये कंपनी उन्हें फाइनेंस करती है जिनको कोई कंपनी मना कर देती है। जैसे चोलामंडलम में जाएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आईटी रिटर्न मांगता है, तो कौन आज की डेट में गरीब आदमी आईटी रिटर्न भरता है? उसके बाद टैक्स प्रूफ मांगेगा, फलना फलना मांगेगा। लेकिन श्रीराम ऑनली एक गारंटर मांगता है, गारंटर कोई भी हो सकता है, आम आदमी, उनका दोस्त, कोई भी एक आदमी गारंटी दे देगा उनका, तो उसको गाड़ी फाइनेंस कर दी जाएगी। फिर श्रीराम 80% गाड़ी फंडिंग करता है, मतलब 1 लाख की गाड़ी है तो 80,000 रुपये श्रीराम देगा, 20,000 रुपये का रुपया वो आदमी को खुद लगाना पड़ेगा, मतलब 80% फंडिंग करता है। अगर कस्टमर अच्छा है, लॉयल है, तो 85 तक भी अप्रूवल लेके किया जा सकता है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी में बैक ऑफिस का काम भी होता है, जिसमें फाइलें अपलोड होती हैं, फाइलें डिस्पैच होती हैं, उसमें लेडीज़ लड़कियां काम करती हैं, ज़्यादातर लड़कियां फाइनेंस में तो नहीं करती हैं, क्योंकि फाइनेंस में फील्ड में जाना पड़ता है, फील्ड बहुत लंबा लंबा फील्ड रहता है, तो लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। लड़कियाँ इसमें कैशियर में काम कर सकती हैं, इसमें वो बैक ऑफिस में काम कर सकती है, इसमें फाइलें अपलोड होती है। जैसे मैंने फाइल साइन कराया किसी पास जाके, एक मैंने गाड़ी कार फाइनेंस कर रही, मैं ट्रक फाइनेंस कर रहा हूँ, मैंने कस्टमर का साइन लिया अपना, उसको पूरा फाइल अप किया, आरटीओ इंश्योरेंस सब रेडी किया उसका, फिर गारंटर का साइन कराया, अब उस फाइल को दे दिया मैंने बैक ऑफिस में। एक आदमी उस फाइल को अपलोड करेगा, एक आदमी उस फाइल को डिस्पैच करके हेड ऑफिस में भेजेगा, तो ये होगा उसका। उसके बाद वहाँ से फिर आएगा डीओ, मतलब डिलीवरी ऑर्डर, फिर उसकी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया टोटल होती है। इसमें कैशियर का जॉब बहुत महत्वपूर्ण होता है, कैशियर का जॉब भी बहुत अच्छा है, लेडीज ही रहती है अधिकतर कैशियर वहाँ पर, जेंट्स तो मैंने आज तक किसी कंपनी श्रीराम में तो कैशियर में जेंट्स में मैं देखा नहीं, लेडीज के लिए बहुत जॉब है वहाँ पर। श्रीराम में लेडीज भी बहुत अच्छे से जॉब करती हैं, बहुत बड़ा जॉब करती हैं। तो श्रीराम में और भी जॉब होते हैं, जैसे लोन मैनेजर होता है, अभी श्रीराम लोन भी स्टार्ट कर दिए, गोल्ड लोन भी स्टार्ट कर दिए, प्लस बिजनेस लोन भी श्रीराम ने स्टार्ट कर दिया है। आपका बिजनेस है या बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आपको एक दुकान चाहिए, दुकान पे वो लोन आपको कैश के रूप में दे देगा, तो जो भी सामान लेना है ले सकते हैं। या फिर आपको गोल्ड चाहिए लेना है या गोल्ड के ऊपर लोन लेना है, तो श्रीराम गोल्ड लोन भी फाइनेंस करती है। इसमें नौकरी के बहुत बड़े आसार हैं, इसमें बहुत से सारे सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं, श्रीराम का काम बढ़ते जा रहा है, श्रीराम बहुत हाई लेवल कंपनी होती जा रही है। आज की डेट में श्रीराम, हम लोग जब करते थे तो श्रीराम को उतना बड़ा नाम नहीं था, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ जब मैं जॉब करता था, तो उतना बड़ा नाम नहीं था, उसमें नौकरी भी आराम से मिल जाती थी। अभी बहुत कंपटीशन हो गया है, तो नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है, अगर आप 5-6 महीने किसी जॉब के पीछे भिड़ेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। या थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा उसके पीछे भागेंगे, थोड़ा उन लोगों से संपर्क बना कर रखेंगे, तो आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगा। थोड़ा 2-3 महीने मेहनत लगेगा, या अगर किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा। श्रीराम में हमेशा जॉब ओपन रहता ही है, आप थोड़ा सा मेहनत करना, आप श्रीराम के पीछे भागना, आपको बाकी फाइनेंस कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, आप श्रीराम से स्टार्ट कीजिएगा। श्रीराम के पीछे 2-3 महीना उनके BM से मिलना, अपना CV दे देना उनको, वहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनसे दोस्ती कर लेना, वहाँ जो भी है जैसे वहाँ का प्यून भी, उससे दोस्ती कर लेना। मैं इसके बाद में प्यून के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि प्यून की भी कैसी अच्छी कमाई होती है। पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी की सबसे खास बात है कि इसमें एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़्यादा होता है। वो कैसे होता है कि देखिए, श्रीराम फाइनेंस कंपनी उनको फाइनेंस करती है जो जिनको कोई फाइनेंस नहीं करता है, तो उनके पास पैसे मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनको कोई लोन देता है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है लोन में, कि हमको तो कोई लोन नहीं दे रहा था कि श्रीराम ने फाइनेंस ने लोन दे दिया, मतलब सोचता है कि वो सेल्स मतलब मैंने ही लोन दिया, जैसे मैं ही सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ तो मैंने ही उसको लोन दिया, तो अपने खुशी से मैं मिठाई के रूप में का पैसे आपको दे देता, अगर आप उसको कुछ भी गाड़ी दिलाएंगे, ऑटो दिलाएंगे, ट्रक दिलाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम श्रीराम के फील्ड में बहुत मिलता है, और बहुत हमेशा श्रीराम में मिलता ही है। इनलीगल है, मत करना है काम आप, लेकिन मिल जाएगा आपको, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो श्रीराम में एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़्यादा है, प्लस आप फील्ड पर जाएंगे तो आपको सेकंड हैंड गाड़ी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आएगी आपको, क्योंकि लोग जो होते हैं थोड़े गरीब टिपके लोग बोलते हैं, तो उन पूछते हैं सर सेकंड हैंड गाड़ी है तो बताइए, हम नई गाड़ी ले नहीं सकते हैं, या फिर नई गाड़ी लेने का हमारे पास वो नहीं है। तो आप अगर किसी अच्छे अगर कोई ब्रोकर है सेकंड हैंड गाड़ी का, उसका नंबर हमेशा आप अपने पास रखे रहिए, कहीं भी सेकंड हैंड गाड़ी की रिक्वायरमेंट आई कि मुझको ये गाड़ी चाहिए और ब्रोकर को पूछे गाड़ी है, तो आप दोनों का मेल मिलाकर आराम से 20-25 हज़ार रुपये एक गाड़ी में बिता सकते हैं। मंथली बोल रहा हूँ मैं, पैकेज से आराम सैलरी मिला के 50,000 आपका मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ क्लियर पॉइंट में, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा आपका, तो वो होप आप जितना फाइल करेंगे उतना आपका इनकम एक्स्ट्रा होगा आपका, ठीक है। तो ये मिला के आप 50-60 हज़ार रुपये श्रीराम में आराम से कमा सकते हैं, वो भी लेकिन तुरंत नहीं, वो भी 5-6 महीने बाद, जब आप स्टेबल हो जाएंगे, जब आपका मोबाइल नंबर सर्कल में घूमने लगेगा, आपको कंटिन्यू फोन आते रहेंगे, सर ये गाड़ी चाहिए, सर ये फाइनेंस हो गया, आपने एक फाइल कर दी श्रीराम फाइनेंस में, उसके बाद आपको टेंशन नहीं है, वो एक फाइल से ही आपको 10 फाइल मिल जाएगी। एक आदमी को आपने फाइनेंस किया तो उसके आजू बाजू गाँव के पूरे क्षेत्र के लोग
आपसे ऑटोमेटिक उस आदमी के जरिए आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब भी वो एक आदमी गाड़ी लेता है गांव में, तो पूरे गांव वाले गाड़ी लेने के लिए उतावले हो जाते हैं कि इसको मिल गई तो हम भी चालू करते हैं, ये अच्छा कमा रहा है बिजनेस तो हम भी करते हैं, और ये किससे लिया है, इसको फाइनेंस हो गया, हम भी तो वही है, हमको भी हो जाएगा, तो आप ही के पास ही आने वाले हैं वो। तो आप जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपके पास फाइलें आते जाएंगी, और शिलांग में फाइल की कोई टेंशन नहीं है, आप अगर सिर्फ ऑफिस में बैठ गए ना तो आपके पास महीने के 10 फाइल आ जाएंगे, महीने के 10 फाइल बहुत ज़्यादा होता है, महीने के 10 फाइल आपने कर लिया तो आपका सोचिए इंसेंटिव कितना आ जाएगा, आप खुद नहीं समझ सकते। शिलांग में इंसेंटिव मंथली करता है या फिर 6 महीने में करता है, दो टाइप का होता है शिलांग में, और जॉब में ऑनरोल दो टाइप का होता है, स्टार्टिंग में आप करेंगे तो ऑफरोल करेंगे जॉब, फिर आप जैसे फाइल अच्छी कर लेते हैं तो 6 महीना या 1 साल में आपको ऑन रोल कर देता है, फिर आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है, फिर आपको सब कुछ जो है वो बढ़ जाता है श्रीराम में। श्रीराम में काम करने की खास बात है कि आपको इज्जत बहुत मिलती है, फाइनेंस लाइन में काम करने में यही खास बात है कि इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है, कि इज्जत क्योंकि एक तो आप फाइनेंसर हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, और आज की डेट में लोगों को पैसा देना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा होगी, तो इज्जत के बहुत ज़्यादा होगी, आपको लोग बुलाएंगे, आपसे साथ में बैठेंगे, आपको सर सर करके बुलाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, तो इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, प्लस अपने आप में भी प्राउड होता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ लोगों के लिए, कुछ दे पा रहा हूँ लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको खुद को भी दिल से सुकून मिलेगा कि इस आदमी के पास कुछ नहीं, बेचारा एक झोपड़ी घर में रहता था, मैंने उसको ऑटो दिला दिया, मैंने उसको पिकअप फाइनेंस कर दिया, जिससे आज अपने जीविका चला रहा है, तो आपको पर्सनली एक खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, जिससे आपको एक माइंडली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी में इतने सारे जॉब होते हैं और इसमें सब में सैलरी होती है, हर आदमी को इंसेंटिव मिलता है, यहाँ तक कि श्रीराम फाइनेंस में उनको भी इंसेंटिव मिलता है, सबको इंसेंटिव मिलता है, सबकी कमाई भी होती है, और इस कंपनी का ग्रोथ बहुत हाई लेवल का ग्रोथ है, इस कंपनी का ग्रोथ कभी रुकने वाला नहीं है, तो आप श्रीराम फाइनेंस में जरूर ट्राई कीजिएगा, 2-3-4 महीने ट्राई कीजिएगा, और मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि श्रीराम फाइनेंस मतलब फाइनेंस कंपनी में एंटर कैसे करना है, तो श्रीराम फाइनेंस में एंटर करने के लिए आप कुछ नहीं है, आप वहाँ पर CV अपना छोड़ दीजिए, और जैसे जैसे होता है आप अपना उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए, वो वाकई इंटरव्यू निकालते हैं, 100-150 लोगों को बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और कम से कम 50-60 लोगों को छाटते हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जब होती है तो बहुत बड़े स्तर पे वो इंटरव्यू लेते हैं, और आपको अलग अलग क्षेत्र में भेजेंगे, ऐसा नहीं कि आपको अपने शहर में नौकरी मिलेगा, आपको अपने शहर से 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर में नौकरी मिल रहा है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, 5 दिन काम करना है, 2 दिन तो घर आराम से आप आके अपना काम घर में रह सकते हैं, 5 दिन तो ऑलरेडी आप यहाँ भी रहेंगे अपने शहर में, तो भी आपको घर के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्क बहुत हार्ड होता है श्रीराम का, और फाइनेंस कंपनी का वर्क टोटली वर्क बहुत हार्ड होता है, तो 5 दिन पैसे ही उतने मिलेंगे तो आपको करने में मज़ा भी आएगा, मैं पहले बार आप आराम से सुबह उठ के जाएंगे, आप जिम में पैसे रहेंगे तो नाश्ता अच्छा कर सकते हैं, खाना अच्छा खा सकते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में रुक सकते हैं, आपको श्रीराम फाइनेंस टोटली फ्री देती है सब कुछ, मतलब आप किसी होटल में रुक के उसका किराया श्रीराम को देगी, आपका पेट्रोल का आपका रहेगी, खाने का आपका, लेकिन बस आपको सबका बिल लेके रखना है, जिस होटल में रुकेंगे उसका बिल लेने का, पेट्रोल भराएंगे उसका भी रिसिप्ट मांग लो आप, और आप जैसे कुछ खाना खाते हैं तो उसका बिल ले लीजिए, तो आप उसको बिल को अटैच कर देंगे तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, वाउचर भरना पड़ता है, वाउचर में भर दिए कि मैंने इतना खर्चा किया, तो आपको तुरंत एक ही दिन में आपको क्लेम वापस आपके अकाउंट में आके मिल जाता है। तनख्वाह श्रीराम फाइनेंस में 28 तारीख को मिल जाती है, हर महीने के 28 तारीख को आपको सैलरी और इंसेंटिव मिल जाएगा, या अगर हर महीने का इंसेंटिव रहा तो, अगर 6 महीने का रहा तो 6 महीने का अलग से इंसेंटिव आपका बन के आएगा। तो ये है श्रीराम फाइनेंस की कोई जानकारी मैं आपको दिया हूँ, और बताइए मुझे आपको किस फाइनेंस के बारे में बताया जानकारी देना है। मेरा वीडियो हर रात को 8 बजे आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अगर इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा नाम है प्रतुल चौधरी, मेरे इंस्टाग्राम में आप अगर सर्च करेंगे प्रतुल चौधरी तो मेरे आईडी आपको मिल जाएगा, उसमें मेरे जिम वाली पोज है, उस पर भी आप मेरे सवाल कर सकते हैं, कुछ भी मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, उसमें मैं हर क्वेश्चन का जवाब आंसर जरूर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप जब पूछते हैं मुझे, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप जब मुझे कहते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाए, तो मुझे दिल में खुशी लगती है कि लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे जान रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। आप अगर ये वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन तो आज के लड़के लोग क्या है, सिर्फ दारू नशा ये गोली पॉक्सीमन दुनिया भर के खा खा के अपना लाइफ बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप कुछ अपने घर के लिए करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, एक अच्छे लाइफ जीना चाहते हैं, आप मेहनती हैं, इसका मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं सब मेहनती हैं, सब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, फालतू के नशे में नहीं पड़े हैं बाकी लोगों की तरह, जो आज के लड़के कर रहे हैं, हीरोगिरी खड़ा बाल करके, सुसाइड होकर करके,
आप हर लाइफ को हमेशा दोस्तों सिंपल जीना है दोस्तों, फालतू नशा करके कोई मतलब नहीं है लाइफ में। लाइफ में पैसा कमाओ, इज्जत पाओ, घर बसाओ, यही लाइफ है। मुश्किल से 50-60-70 साल की लाइफ होती है, इसी में हम नशे में निकाल देंगे तो क्या निकाल दिए लाइफ को। इसी में हम मेहनत करके घर बना के, शादी करके, बच्चे पैदा करके, या फिर या उसको अच्छे से चलाएं हम अपनी फैमिली जैसा आम आदमी जीता है। तो आप फाइनेंस कंपनी में जुड़िए, श्रीराम में जुड़िए, आपको जरूर आपके जो आपके ड्रीम है वो हर ड्रीम पूरा होगा। और आपको पैसे की तकलीफ लाइफ में श्रीराम में काम करते वक्त कभी नहीं आने वाली। श्रीराम फाइनेंस में आपने काम किया तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के स्कूल की फीस के लिए पैसा नहीं है, घर में खाने को पैसा नहीं है, घर में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया तो पैसा नहीं है। आप हर चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। हर त्यौहार में आपके पास पैसा रहेंगे, आप एनी टाइम आपके पास पैसा रहेगा। आपके पास ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो श्रीराम ने करके एक बात बहुत अच्छा है कि पैसे बहुत रहते हैं आपके पास में, पैसे बहुत एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं सब कुछ मिला के। बाकी मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कैसे कमाई करना है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि और किस विषय में आपको वीडियो देखना है। कोई अच्छा सर्चेबल विषय बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सके। और मेरी वीडियो हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। तो ऐसा टॉपिक बताना जिसमें लोग ढूंढ रहे हैं, जिसमें लोग इंटरेस्ट है। क्योंकि तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा व्यू आते ही नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। मेरे दिल से इच्छा है कि आप मोटिवेट हों और हमेशा खुश रहें। मेरे छोटा सा कहने से आपको अगर मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइफ में कुछ सुधार होता है, तो मैं अपने सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का काम सफल हो गया। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे कुछ सोच है नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं सिंपल तरीके से मैं लाइफ जीता हूँ, सिंपल ही रहता हूँ, सिंपल देख सकते हैं, स्टाइल स्टाइल सब सिंपल है, ऐसा कोई खास नहीं है। सिंपल आदमी हूँ, सिंपल जॉब किया, बस 10 10 10 जगह जॉब किया मैंने, दुनिया में भर के जॉब किए हैं मैंने, बहुत एक्सपीरियंस है। आज मेरी एज 42 ईयर्स की हो गई है, मैं आपसे काफ़ी बड़ा हूँ दोस्तों। मेरे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी छोटे हैं मुझसे, और मेरी एज के भी हैं, लेकिन फिर भी आज की एज में मैं आपको काफ़ी जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैं उसी चीज़ को आपको बताता हूँ, उसी चीज़ को बोलता हूँ, ताकि मैंने जो लाइफ में अचीव किया है, मैंने जो भी कुछ किया है वो आप भी कर सकें। मैं जानता हूँ कि आप छोटे शहर से हैं, आप मेरी तरह, मेरा शहर भी कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, 2-3 लाख की आबादी वाला शहर है, कोई बड़ा शहर से मैं भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी सोच बहुत हाई थी कि मैं कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना था, तो इसलिए मैंने मेहनत की। अब जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ श्रीराम की वजह से हूँ, फाइनेंस कंपनी की वजह से ही हूँ। मैं भी यही चीज चाहता हूँ कि आप फालतू जगह जॉब ना करके फाइनेंस कंपनी में जॉब करें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।